हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। फिट मसल टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ आज कोलकाता में ग्रैंड हैब के जिम में। आज का जो टॉपिक कवर कर रहे हैं बैक वर्कआउट, स्पेशली जो लोग लैट पुल डाउन्स करते हैं या पुलअप्स करते हैं बट फिर भी उनको पंप नहीं आता, उनके लिए बहुत ही टेक्निक काम में आएगी। एक्सरसाइज जो मैं कवर करूँगा दिस इज कॉल्ड केबल पुलओवर्स। डंबल पुलओवर्स भी कर सकते हैं बट केबल पुलओवर्स में ज़्यादा आइसोलेशन मिलता है आपको। कोई भी आप बैक वर्कआउट करते हैं, आपने रोइंग करा, आपने पुल डाउन्स किया, उसमें लैट्स के साथ साथ बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, आपके रोम्बॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके ट्रैप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज़ अ कंपाउंड मूवमेंट। कोई भी मोस्टली बैक वर्कआउट आपका कंपाउंड मूवमेंट बन जाता है बट ये जो एक्सरसाइज है आपकी केबल पुलओवर्स, ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। सो अगर आपको लैट्स में पंप कम आता है या नहीं आता है, व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप पहले केबल पुलओवर्स ट्राई करिए, फिर एज अ सुपरसेट स्ट्रेट अवे गो टू लैट पुल डाउन्स और पुलअप्स। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो पुलअप्स चेक कर नहीं पाएंगे, तो ये ट्राई करिए, देन डू गो एंड डू लैट पुल डाउन्स। आपको बहुत ही इफेक्टिव पंप आएगा और ये बहुत ही अच्छी आइसोलेशन एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से। मुझे बैक में बेस्ट पंप आता है व्हेन आई ट्राई टू डू केबल पुलओवर। सो ये ट्राई करते हैं, देखते हैं इसकी अच्छी सही टेक्निक क्या करने की। गाइस, कोई भी बैक वर्कआउट आप ट्राई करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपकी बैक तभी इंगेज होगी जब आपकी बैक में एक नेचुरल आर्क होगा। आर्क से मतलब क्या है, जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं पीछे रिट्रैक्ट होंगे, चेस्ट आपका बाहर आएगा। कोई भी बैक वर्कआउट करें आप पुल डाउन्स करें, आप रोइंग करें, सेम आपका बैक में आर्क रहना चाहिए। आप पुलओवर्स भी करेंगे, सेम चीज मैं आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा अभी। सो लेट्स डू दिस। आपने क्या कर, ये आप कर सकते हैं स्ट्रेट रॉड से भी और केबल से भी। डिफरेंस क्या है दोनों में, केबल में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन रहता है आपका, बिकॉज जो आपका हाथ है ज़्यादा साइड तक जा सकता है। केबल्स में आप इससे पीछे नहीं जा पाएंगे, रॉड में इससे पीछे नहीं जा पाएंगे, केबल्स में पूरा पीछे आ जाता है और आपका हाथ रॉड में ऐसे रहता है और केबल्स में आपका हाथ ऐसे रहता है, तो लैट्स ज़्यादा इंगेज रहती है। इसका एक डिसएडवांटेज, सिर्फ एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है क्या है, इसमें आपकी ट्राइसेप्स थोड़ी सी इंगेज ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अदर बैक एक्सरसाइजेस। तो ये स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। स्टैंड लिटल फार फ्रॉम दी मशीन, लुक अप, आपका बैक में जो नॉर्मल आर्क है वो रहना चाहिए, शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट। जब आपका वेट, जब आपकी लैट्स एक्सटेंडेड पोजिशन में, ये रही मेरी एक्सटेंड पोजिशन, तो आपका जो बैक है इट शुड बी इन लाइन विद द केबल और आपका चेस्ट ना बाहर नहीं आएगा। जैसे ही आप अपना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपका चेस्ट बाहर आएगा और अपने बैक में आप आर्क लाएंगे, शोल्डर ब्लेड पीछे रहेंगे, आपका चेस्ट आया बाहर, शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट और बैक में आपका रहेगा आर्क, बेंड लाइक दिस। और इसमें जो आपकी एल्बोज हैं, यू विल ऑलवेज ट्राई टू कीप योर एल्बोज टू द साइड। एल्बोज आप फ्लेयर आउट नहीं करेंगे जब आप नीचे आ रहे हैं, एल्बोज आप कोशिश करेंगे कि साइड में रहें। बेसिकली ये एल्बो आप ट्राई करेंगे कि उस डायरेक्शन में जाए और ये एल्बो आप ट्राई करेंगे कि इस डायरेक्शन में जाए। सो बेसिकली आप ऐसे कर रहे हैं, सो आपकी लैट्स बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन आपको चाहिए पीक। सो कोई भी एक्सरसाइज काम करती है जब फुल्ली एक्सटेंड हो मसल और फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर आप लैट्स फ्लेयर आउट कर देंगे तो जो आपकी आपके अपनी एल्बोज फ्लेयर आउट कर देंगे तो इफेक्ट आपका लैट्स से उठ के ऊपर आ जाएगा, अपर बैक पे आ जाएगा। जैसे ही आपने अपनी एल्बोज इंटैक्ट रखी हैं, ये एल्बोज को उधर फेंकना है आपने और इस एल्बो को उधर फेंकना है, तो अंदर दबा के रखना है दोनों लैट्स को, तो आपका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक सेट करके देखते हैं, ये जो आपकी रॉड है दिस शुड कम टू योर पेल्विक, यहां पे आनी चाहिए। बहुत लोगों की यहां आती है ऐसे, बहुत लोगों की यहां आती है ऐसे, ये भी गलत है। सो नॉर्मल जो आपका हाथ है उसका जो रेंज होती है वो आपका हाथ यहीं पे आएगा, तो रॉड भी यहीं पे आनी चाहिए। ऐसे हाथ ऐसे मत करिए, नीचे मत ले जाइए। सो दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट, फिनिश जस्ट अप, शोल्डर ब्लेड पीछे एंड एल्बो टू द साइड। आपको जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा लैट्स का, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आएगा और जो पंप आएगा वो भी अमेजिंग पंप आएगा। अगर आपको पंप फिर भी कम आ रहा है, ट्राई ड्रॉपिंग द वेट। बहुत बार हम क्या करते हैं, हैवी वेट के चक्कर में इतना वेट लगा लेते हैं
कि हमें पंप फील नहीं होता, हमारा फॉर्म बहुत सैक्रिफाइस हो जाता है, तो वो गलती मत करिए, पहले अपना फॉर्म सही बनाइए। अगर आपको पंप आ रहा है, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करिए आप, एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक दिन में आप ये मत कोशिश करिए कि आप सारा वेट उठा लेंगे। सो गाइज, ये था छोटा सा वीडियो फॉर एंगेजिंग योर लैट्स प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज कॉमेंट करिए नीचे, एंड जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ लोगों को, उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। सो Gaurav, Fit Muscle TV, thank you for watching and